हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शाही आलम फ्रॉम इन्वेस्टको इन्फोटेक। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टको प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर जो लोकेटेड है सेक्टर 153, जो S153 के नाम से आ रहा है। और दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए आ रहा हूँ जिस तरह से एस ने अपनी पकड़, अपनी रेपुटेशन एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में बना चुका है, वैसे ही एस अपनी रेपुटेशन और एस ने स्टार्टिंग कर दी है कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर। तो मैं आज आपको यहाँ पर एक इसका रेडी टू मूव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आया हूँ, जो इम्फोसिस और SGFC बैंक को लीज हो चुका है। पूरा का पूरा टावर और दो टावर और फुल लग्जरी प्रॉपर्टी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑफिस प्लान करना तो आप सेक्टर 153 में, S153 में प्लान कर सकते हैं। लेकिन ऑफिस लेने से पहले सबसे बड़ा हमारा सवाल होता था, क्या इंटीरियर है, क्या डिज़ाइन है, क्या लेआउट है, क्या अम्यूटीज है। तो दोस्तों, आज मैं उन सवालों के जवाब देने के लिए एस का जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है सेक्टर 132 के अंदर ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे, मैं आपको लेकर आ गया हूँ एस कैपिटल के अंदर। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं अभी सेक्टर 132 के अंदर हूँ, जो प्रॉपर्टीज़ इसने SGFC को और इंफोसिस को रेंट पर दिया है, लीज पर दिया है, और 18 ईयर्स की लीज है। दोस्तों, सिर्फ यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको मैं इसके इंटीरियर, इसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इसका लाइफ स्टाइल जो आपको मिलने वाला है सेक्टर 153 के अंदर, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये प्रॉपर एस का फाउंटेन आया था विद लोगो, यहाँ हमारा फाउंटेन एंड लोगो आया था एस कैपिटल। तो ये दो टावर आ जाते हैं हमारे एस, ये SGFC बैंक, ये टावर डे टावर SGFC बैंक, और फोर फ्लोर इन्फोसिस कंपनी को पूरा लीज पे जा चुका है। जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से टावर में ग्लास फसाद यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और प्रॉपर यहाँ पर लाइट की हुई है। यही इसका दूसरा टावर आता है जो सेक्टर 132 के अंदर है। तो दोस्तों, ये एक वो प्रॉपर्टी थी जो आज से तीन साल पहले, ढाई साल पहले, जिसका इसने अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। यहाँ पर आपको आपके आपको लगेगा कि हाँ, एस कमर्शियल के अंदर, एक लीजिंग के अंदर बहुत अच्छी चीज़ लेकर आ रहा है। तो यहाँ ये दिखाने का मतलब यही था। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ एक ये वीडियो एंट्रेंस से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब चल टाइम ना लेते हुए एंट्रेंस की तरफ, एंट्रेंस में आपको दिखाऊंगा कि आखिर एस क्या अपनी क्वालिटी लाता है, क्या अपना कंस्ट्रक्शन लेकर आता है, और इंटीरियर कैसा आता है, और इसकी एंट्रेंस लॉबी किस टाइप की है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एस कैपिटल्स की एंट्रेंस पे। जैसा आप मेरे सामने बैक साइड में देख रहे हैं, तो ये एंट्रेंस आया थी है, इसकी लग्जूरियस एंट्रेंस है। ये हमारा सिक्योरिटी चेक रूम आ जाता है, ये हमारी एंट्रेंस आ जाती है यहाँ पर। इसमें अगर एंट्रेंस की अगर मैं बात करूँ, तो पूरा बाहर से जो इंटीरियर का डिज़ाइन दिया हुआ है, तो ये हमारा पूरी प्रॉपर्टी का लेआउट आ जाता है। मैं इसका एक ओवरव्यू आगे एक फ्लाईओवर से तकरीबन जो 800 मीटर पर है, वहां से भी मैं लेने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो हमारी पूरी हिफाजत करते हैं। यहाँ पर ये पूरी एंट्रेंस आ जाती है, यहाँ पूरा सिक्योरिटी प्रॉपर चेक किया जाता है। यहाँ ये इसका एक एंट्री और एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट इसका आगे आपको मिलेगा। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसकी एंट्रेंस पे। ये पूरा एक लेआउट आता है फ्रंट से। तो अगर हम स्ट्रेट चले आते हैं, तो ये हमारी गाड़ी पार्किंग है, आगे बेसमेंट -1 आता है। तो -1 के बाद दोस्तों, ये लाइटिंग्स वगैरह आती है एज अ इंटीरियर। तो ये आपको यहाँ पर ग्रीनरी मिलने वाली है पूरों पर,
ये आपको ग्रीनरी मिलने वाली है, ये आपको यहाँ पर इंटीरियर मिलने वाला है यहाँ पर। तो ये जगह जगह इसमें वाटर बॉडी का इस्तेमाल किया गया है इसमें। अगर एस के आप रेसिडेंशियल एस पार्क वे के अंदर भी देखेंगे या एस पार्क या आप एस 153 में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी वाटर बॉडी का बहुत अच्छी उसमें यूज किया हुआ है, क्योंकि इस वाटर बॉडी से एक जो इसका पानी का जो साउंड होता है उससे एक पॉजिटिविटी वाइब्स आती है। तो दोस्तों ये है टावर की एंट्री, फुल लग्जरी। अगर आप वहाँ पर ऑफिस लेते हैं या रिटेल लेते हैं तो वो एक अलग क्लास है, लेकिन मैं अभी फिलहाल ऑफिस का ही बता रहा हूँ। तो एस अपनी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर इस टाइप का आपको देने वाला है। ये हमारी एंट्रेंस हो जाती है यहाँ से। यहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होगा, यहाँ पर आपका दो सिक्योरिटी चेक हो जाते हैं, ये एक ये। और दोस्तों अगर मैं एस के इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ, अंदर की लेबिश है, मैं बता नहीं सकता यहाँ पर किस तरीके का इंटीरियर इन्होंने दिया है। ट्रिपल हाइट इसकी एंट्रेंस दी है इन्होंने। ये इधर आपका एक बहुत खूबसूरत स्टाइल में एक आपका रिसेप्शन आया था। तो ये है एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ सेक्टर 153 के लिए, जहाँ पर आपको ऑफिस स्पेसिस मिलने वाले हैं। अगर एस की अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में कोई भी इसको कॉम्पिटिशन नहीं इसके सामने खड़ा है। तो ये इसका एक सिटिंग एरिया हो जाता है, वेरी लैविश, बहुत अच्छा। ये इसमें झूमर क्या कहेंगे इसको, बहुत अच्छा डिज़ाइन एंड आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पर बुक्स वगैरह दी हुई हैं, यहाँ पर आप अपना आकर इजीली बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। तो दोस्तों एक यहाँ पर एज अ बरिस्ता दिया है, अगर तो यहाँ पर एक बरिस्ता दिया है। ऐसे ही अपने हर एक टावर में एस अपने एम्प्लॉय के लिए या अपने टावर्स में जो भी आएगा उसके लिए 153 के अंदर भी इस टाइप का कैफेटेरिया हर टावर में आपको मिलेगा। और दोस्तों ये तो वो प्रॉपर्टी है जो तकरीबन बहुत टाइम से 2-3 साल पहले रेडी हुई है। तो आने वाला कंस्ट्रक्शन इससे और 100% और बेटर होने वाला है लेआउट। और एस के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जैसे ये आपकी एक एंट्रेंस और एग्जिट एंट्री हो जाती है एक टावर की, इधर इसका पार्क की तरफ एग्जिट पॉइंट हो जाता है। ये यहाँ पर अपने एक एक गेस्ट के लिए एक यहाँ पर अपना वॉशरूम और एक प्लस एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम देता है। ये इधर हमारा वॉशरूम की तरफ चला जाता है, तो ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम का एरिया आ जाता है। ये आपको कॉन्फ्रेंस रूम मिलने वाला है यहाँ पर, तो ये आपको कॉन्फ्रेंस रूम मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं थोड़ा आता अंदर लेके जाता हूँ, यहाँ पर लिखा है ऑडिटोरियम। अगर आपको कुछ प्रोग्राम करना है, कुछ बड़ा यूज गैदरिंग में प्रोग्राम करना है, तो वो भी आपका यहाँ पर इजीली हो जाएगा। ये ऑडिटोरियम की एंट्री और एग्जिट हो जाता है, ये ऑडिटोरियम की एंट्री पॉइंट आ जाते हैं। ये आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऑडिटोरियम। तो दोस्तों एस अपने 153 सेक्टर के अंदर जो एस का कमर्शियल आ रहा है उसमें भी सेम ऐसी चीज़ें लेकर आ रहा है जो आने वाले टाइम में आपको और लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगी। ये बहुत बंद है अभी, मतलब इसकी गैदरिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये कहते हैं कि तकरीबन 100+ लोग यहाँ पर आराम से बैठ कर सिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम हो जाता है। तो अगर आपको एक कोई मीटिंग करनी है, कोई बड़ी मीटिंग करनी है, तो आप इजीली आप यहाँ इसके कॉन्फ्रेंस रूम को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों एस अपने बायर्स के लिए ये सारी चीज़ें देता है, जैसा मैंने आपको बताया मेंटेन JLL कंपनी इसको कर रही है। सिक्योरिटी एस की अपनी है, सिक्योरिटी एस की। अब दोबारा आ जाता हूँ यहाँ पर, एक आपको व्यू दे देता हूँ एंट्री का। दोस्तों मैं इधर से एंट्री हुआ था, एक एग्जिट पॉइंट इधर आया था इसका। अगर आप टावर में ऑफिस स्पेस की तरफ जाते हैं, जिसका ऑफिस स्पेस होगा, तो आपको यहाँ से एक कार्ड मिलेगा, जो आप इस कार्ड को यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा। ये आपकी इधर लिफ्ट आ जाती हैं। तो एज अ सिक्योरिटी के मामले में एस कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ना एस कंस्ट्रक्शन के मामले में
कंप्रोमाइज़ करता है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ गार्डन एरिए की तरफ। आदमी पूरा दिन काम किया, काम करने के बाद रिलैक्सेशन चाहिए होता है, थोड़ा सा वॉक अराउंड चाहिए होता है, तो थोड़ी वॉक करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा एक ऐसा सिटिंग एरिया यहाँ पर दिया है एस ने, जहाँ पर आप अपने काम करने के बाद आप अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने खाली वक्त के साथ। ये हमारा यहाँ से जैसे हम दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं तो ये हमारा ग्रीनरी आ जाती है, ये एक हमारा इधर कैफेटेरिया आ जाता है। यहाँ पर भी एक इन्होंने आउटडोर सिटिंग बना रखा है कैफ़े की। तो ये अगर प्रॉपर ओवरऑल प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा आ जाता है। अब दोस्तों 150 के अंदर सबसे अच्छी खास बात क्या है, ये तो पुराना 2.5-3 साल पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। 153 के अंदर जो आपका ये एरिया दिया है ये बहुत ज़्यादा यूज दिया है, ग्रीन बेल्ट बहुत ज़्यादा दी है, और इस एरिए के अंदर वॉकिंग अराउंड वॉक अराउंड के अंदर आपको वाटर बॉडी दी है। वहाँ पर जैसे आप ये फाउंटेन देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको वाटर बॉडी दी है। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको एस का कमर्शियल बाय करने की, और अभी स्कीम्स भी बहुत अच्छी हैं। तो एक लिमिटेड ऑफर है, फर्स्ट 50 बुकिंग के लिए है ये, फर्स्ट 50 बुकिंग्स जैसे आती हैं तो ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों लॉन्चिंग प्राइस जो इसका है वो आप जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको एस का थोड़ा सा यहाँ से एक वॉक थ्रू करा देता हूँ। सेकेंड टावर ये है जो SGFC को दिया है, इन्फोसिस का ऑफिस इसके अंदर है, 4 फ्लोर। ये एक इसकी एंट्रेंस इसकी भी रेडी हो रही है, वो भी मैं आपको हल्की सी दिखा देता हूँ। यहाँ पेंट वगैरह का काम चल रहा। तो दोस्तों अगर मैं एक करूँ तो अगर आप वहाँ पर ऑफिस बाय करते तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपके जो कस्टमर्स आएंगे आपके जो क्लाइंट्स आएंगे दे विल बी हैप्पी के हाँ बहुत अच्छी लग्जरी एंट्री और एग्जिट उसकी होने वाला। तो यहाँ पर थोड़ा इंटीरियर का काम चल रहा है, अंदर नहीं जा रहा, पेंट हो रहा है अभी। तो ये पूरा इसका सेकंड टावर की लोबी है, सेकंड टावर का एग्जिट पॉइंट उधर है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ वापस। ये सबसे अच्छी चीज़ अपने स्टाफ के लिए एक ऐसी चीज़ें देता है जहाँ पर आप बैठ कर 100-200-150 लोग एक इंजॉय कर सकते हैं, एक आउटडोर पार्टी कर सकते हैं, एक आउटडोर गेम प्लान कर सकते हैं। तो दोस्त मल्टी थिएटर टाइप का एक ये दिया है इन्होंने, ये पूरा सिटिंग है यहाँ से वहाँ तक, इन्होंने 3 फ्लोर की सिटिंग बनाया है, 3 स्टेप बनाए। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी इवेंट कोई भी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये इसकी क्वालिटी है। और अगर मैं टावर टू टावर ग्रीन बेल्ट की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने फ्रंट पे जो बालकोनी दी है, इधर भी जो बालकोनी दी है, यहाँ पर बैठ के आप अपने कंपनी के अपने ऑफिस का एक्सप्रेसवे का व्यू ले सकते हैं, पूरे नोएडा NCR का व्यू ले सकते हैं। तो एस अपने कंस्ट्रक्शन में अपनी क्वालिटी में बिल्कुल मिस कंप्रोमाइज नहीं करता। अगर बहुत सारे लोगों का ये सवाल था एस का पहला कमर्शियल है कहीं कुछ ऐसा हुआ, तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि आपको मैं एस का जो इन्फोसिस और SGFC को लीज दिया सकता 132 का, मैं इसका आपको लेआउट दिखा सकूँ, मैं इसका आपको इंटीरियर दिखा सकूं, मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा सकूं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर आपकी गाड़ी, तो दोस्तों वहाँ से गाड़ी आएगी आपकी एग्जिट पॉइंट आएगा, यहाँ से सीधा आने के बाद इधर आपका एग्जिट पॉइंट। तो एस ने अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंटीरियर लाइट्स में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर आपका कस्टमर आता है, सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में काम करने में आपको लगे कि हाँ यार वेल फर्निश्ड ऑफिस है, मेरा दिल लग रहा है, मेरा ऑफिस में मेरा दिल लग रहा है, तो ये फीलिंग आपको एस की प्रॉपर्टी में आने वाली है। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करें, आप अभी स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और एस 153 की बुकिंग करें। ये हमारा एस का एग्जिट पॉइंट आ जाता है, इधर ये एग्जिट पॉइंट आ जाता है, ये इसकी पार्किंग आती है, 2 फ्लोर की पार्किंग है इसकी। तो गाड़ी जो भी आएगी पार्किंग के अंदर जाएगी। एस का कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी इंटीरियर GLL कर रहा है पूरा, तो इसमें एस कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तो दोस्तों ये सेकंड टावर है जिसमें काम चल रहा था इंटीरियर का,
तो ये मैं आपको दिखाने के लिए आया था। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूँ S153 के बारे में। नोएडा सेक्टर 153 के अंदर एस अपना 5 एकड़ का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं मिक्स लैंड यूज नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कमर्शियल कह सकते हैं, जिसमें आपके ऑफिस स्पेसिस और रिटेल स्पेस आपको मिलने वाले हैं। तो ऑफिस स्पेसिस की अगर मैं साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 750 square feet का सबसे छोटा साइज़ है। इसमें आप 1500 भी बाय कर सकते हैं। अगर शॉप की अगर ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप का जो प्राइस होने वाला है वो साइज होने वाला है 950 square feet होने वाला है। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ आपको लीजिंग बहुत अच्छी मिलने वाली है वहाँ पर। तो उधर से जहाँ से मैं एग्जिट हुआ था तो एस का ये लाइटिंग प्रॉपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये ग्रीन बेल्ट आ गया, इधर वाटर बॉडी आ गया। तो एस की अगर मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से इसने प्लांटेशन किया है और जिस तरीके से आप मेरे सामने देख रहे हैं, मतलब बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा प्लांटेशन, और साथ में ये वाटर बॉडी का जो पानी आपको कानों में आएगा, आपको एक रिलैक्सेशन मिलने वाला है पूरी प्रॉपर्टी में। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी थी सेक्टर 132 के अंदर, जो एस ग्रुप का कैपिटल्स है, जो प्रॉपर रेडी है। आज मैं आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी इसलिए दिखाना चाह रहा था कि बहुत सारे कस्टमर्स का यही रिप्लाई था कि आने वाले टाइम में 153 में कैसा बनेगा। तो दोस्तों ये एक टावर है, इससे अच्छा बनने वाला है 153। तो ज़्यादा टाइम ना ले और बुकिंग कर दें अभी। प्रेफरेंस के लिए आपका 2 लाख रुपये का चेक पर लगेगा, और 2 लाख रुपये में अगर आपको सपोज पसंद नहीं आता तो वो 100% रिफंडेबल है, और इसमें कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लगने वाले। तो दोस्तों मैं बता रहा था ग्राउंड प्लस 20 फ्लोर का टावर आ रहा है, एस 2 साइड ओपन लैंड आ रही है। अगर आप साइड विजिट करना चाहते हैं तो आप जब भी स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफर लॉन्च हो चुका है प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफर फर्स्ट 50 बुकिंग्स के लिए है, उसके बाद प्राइस तकरीबन 2500 से 3000 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। मैं इजाज़त लेता हूँ सर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।